हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है। बहुत ही शानदार चैप्टर है, इसमें टर्मिनोलॉजीज भरी पड़ी है, बहुत सारी डेफिनेशंस है सीए फाउंडेशन लेवल पर। ये आपका बीसी के सब्जेक्ट के अंदर आपका चैप्टर है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर लेक्चर नंबर 3 है आज, जिसके अंदर हम बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत अदर डेफिनेशंस भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सो पहले 2 लेक्चर्स में हमने फिनेंस देखा, कैपिटल देखा, स्टॉक मार्केट देखा। दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा, मार्केटिंग से रिलेटेड देखा। अब तीसरे लेक्चर में ये बची हुई सारी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर कवर कर लेंगे, साथ में एमसीक्यू भी देख लेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 3 को, इसके साथ में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और पूरा बीसीके भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जहां तक बैंकिंग की बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डे टू डे में आप लोग बैंक से रिलेटेड सुनते होंगे, देखते होंगे, बट आपको समझ में नहीं आता होगा। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कॉमन है उनको हम ओरली समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए बैंक की हम बात करते हैं। कुछ नहीं, बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, ये सब, ठीक है। सो ये जितने भी बैंक्स होते हैं, ये सभी बैंक्स क्या करते हैं, आपके पास जितने भी पैसे होते हैं या जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और डिपॉजिट करवाते हैं। आप बैंक्स के साथ में एफडीज रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, अलग अलग डिपॉजिट्स के नेचर वाले बहुत सारे डिपॉजिट्स हम बैंक्स के साथ में रखते हैं। बैंक्स ऑन द अदर हैंड हमको लोन्स प्रोवाइड करती है, राइट, हमको ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करती है। हमारे अलग अलग नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं। कैश क्रेडिट अकाउंट अलग होता है, आपका करंट अकाउंट अलग होता है, आपका सेविंग अकाउंट होता है। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं और उनके साथ में बैलेंसेस भी है। इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को शुरू करते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस। अब देखिए, एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ये क्या है, एक साइंड डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आप बोलते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट दीजिए ना, आपने हमको ये दिया है, साइन करके बोलिए कि आपने हमको दिया है। तो एक तरीके से ये एक ऐसा फिजिकल डॉक्यूमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपने अप्रूवल और एक्सेप्टेंस पूरी मिल चुकी है फॉर एन एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंकर। सो बैंकर के बिहाफ में ये एक्सेप्टेंस वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म दैट इज यूज टू कॉन्टेक्स्ट विथ फाइनेंशियल एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। ये आगे क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, हम देख भी चुके हैं, आप इसको ध्यान रख लेगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस बोलते ना यार, तो आपके एक्सेप्टेंस है क्या इसमें, तो बोले हाँ ये पेपर है, इस पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है और हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं बैंकर की साइड से, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द बैंकर। तो ये होता है एक्सेप्टेंस। नाउ एक्सेप्टेंस हाउस कौन होता है, तो एक्सेप्टेंस हाउस ऑब्वियसली बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। सो एक्सेप्टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और अ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइजेस इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों। ओके, अकाउंट बैलेंस, आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस रखा हुआ है, रोकड़ा रखा है, वो आपका अकाउंट बैलेंस है। अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, अभी तक आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट अक्यूमुलेट हो चुके हैं उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है जो आपको अभी मिला नहीं है बट वो अक्रू हो चुका है, इसलिए उनको अक्रूड इंटरेस्ट बोला जाता है। ऑफ्टन अक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। सम बैंकिंग बुक्स प्रिफर टू कॉल इट एज द इंटरेस्ट दैट इज अर्न्ड बट नॉट येट पेड। ये भी तरीका है कि अर्न्ड इंटरेस्ट है बट पे नहीं हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट है, या फिर ये बोला जाता है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। ओके, नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ADR। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और ADR, ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, शॉर्ट में समझाएंगे, वैसे तो बहुत डिटेल्ड में आप समझने वाले IPCC लेवल पर। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स ऑल्सो नोन एज ADRs आर डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स। हर एक डिपॉजिट रिसीट होता है वो 100 शेयर का होता है, 50 शेयर का होता है, 200 शेयर का होता है। सो नंबर ऑफ शेयर्स मिला के एक डिपॉजिटरी रिसीट बनता है। ओके, दैट हैव बीन इश्यूड इन अ फॉरेन कंट्री, जो एक फॉरेन कंट्री में इशू किया जा चुका है। स्पेसिफिकली यहां पर क्या बात चल रही है, अमेरिकन है वो, ठीक है। सो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स आर ट्रेडेड ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिमिलर मैकेनिज्म एग्जिस्ट फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि आप इंडियन कंपनी हो,
आप चाहते हो कि आपके जो कंपनी के शेयर्स हैं वो सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना हो, बाहर की कंट्रीज पर भी हो, तो बाहर की कंट्रीज ऐसे ही अलाउ नहीं करती है। तो वहां की कंपनी या फिर वहां की कंट्री में अगर आप चाहते हो कि आपके शेयर्स ट्रेड हो, तो अमेरिका क्या बोलती है कि आपको हमारे यहाँ पर ADR इश्यूज करवाने होंगे। एक ADR में कुछ यहाँ पर शेयर्स होंगे, तो ADR इज नथिंग बट वॉट, ADR इज नथिंग बट आपके शेयर्स है जो वहां पर ट्रेड हो रहे हैं। तो क्या शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं, शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसीट्स ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सो डिपॉजिटरी रिसीट्स ट्रांसफर हो रही है बट शेयर्स के राइट्स ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है जो आप आगे देखेंगे। तो जैसे ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट यानी कि GDR इशू करें तो हर कंट्री में चल जाएंगे एक्सेप्ट ADR, क्योंकि अमेरिका का अलग है, तो उसको हम ADR बोलते हैं, रेस्ट को हम GDR बोलते हैं। इतना नॉलेज आपके लिए अभी के लिए काफ़ी होगा। एन्यूटीज हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ओहो सर ATM के फुल फॉर्म ये होता है क्या? यस बच्चों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक और हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिकली एक फेस क्रिएट किया गया है। ठीक है, सो कुछ नहीं, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनटू द फील्ड ऑफ बैंकिंग। ओके, बैलेंस ट्रांसफर आपको पता ही है, बैलेंस ट्रांसफर हम कर देते हैं। बैंक अकाउंट्स क्या है आपको पता है, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट जो कौन सेट करता है। बच्चों पिछले चैप्टर में देख के आए हैं RBI का क्या काम है, RBI का काम है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट, ये सब चीजें करती है ना। तो बैंक रेट क्या है, ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? RBI है, जो बैंकर्स का बैंक है। तो बैंक हमको कितने में लोन देगी ये रेट डिसाइड करने वाला सेंट्रल बैंक है यानी कि RBI है, और वो जो रेट डिसाइड करती है वो बैंक रेट होता है। तो ये बैंक रेट हो गया, और ये सब काम किस में चलता है? बेसिस पॉइंट्स पे चलता है। तो एक परसेंटेज में कितने बेसिस पॉइंट्स होते हैं? 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ब्रिज फाइनेंसिंग। अभी ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है बच्चों? अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए ब्रिज मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में गैप जो होता है उसको फिल करना, उसे हम ब्रिज कहते हैं। इसी तरीके से आपका ये पहला लोन चल रहा था और आपका ये दूसरा लोन चलने वाला है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है मतलब इसके एंड से और इसके स्टार्ट से जो होने वाला है और इन दोनों के बीच का जो गैप है उस पीरियड को फाइनेंस करना या फाइनेंसिंग उस पीरियड में करवाना उसे ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है, या फिर उसे गैप फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना समझना काफ़ी होगा। आगे चलते हैं, बाउंस चेक आपको पता है, चेक दे दिया बट फंड्स नहीं है और तो बाउंस हो जाएगा ना भैया, इसके चार्जेस लग जाएंगे आपको, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है, तो ये बाउंस्ड चेक कहलाता है। ठीक है, कैप क्या है? कुछ नहीं, एक कैप लगा देना, लिमिट क्रिएट कर देना, इंक्रीज या डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रेट पर एक कैप लगा देना कि इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा, अगर आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट है तो सो एंड सो, तो वो उसे बोला जाता है कैप। ठीक है, ओके, क्लियरिंग आपको पता है, क्लियरिंग ऑफ अ चेक क्या होती है? आपका अकाउंट है HDFC में, आपको किसी ने चेक दिया बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, आना है HDFC में, क्या होगा? क्लियरिंग हाउस में आजकल जाता है, सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जल्दी होता है, पहले होता था कि ये सब जगह इकट्ठे होता है, आजकल स्कैन करके अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्लियरिंग हाउस में जाता है और बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट करता है HDFC को, HDFC उसको रिसीव करता है। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया वाला जो कस्टमर है उसके वहां से डेबिट हो जाता है। इस तरीके से क्लियरिंग ऑफ चेक का पूरा सिस्टम चलता है। तो ये क्लियरिंग हो गया, क्लियरिंग हाउस उससे ही रिलेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड ऑन अ सम ऑफ मनी। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। डेबिट कार्ड आपको पता है, डिपॉजिट स्लिप, आप जब बैंक में जाएंगे डिपॉजिट करने के लिए तो आपको एक डिपॉजिट स्लिप दी जाती है। ठीक है, कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए, कैश के कितने डिनोमिनेशन है वो लिख दीजिए, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो वो डिपॉजिट स्लिप पे आपको बताया जाता है। डिपॉजिटर मतलब जो डिपॉजिट करने जा रहा है। ओके, अब है डेट का सेटलमेंट और डेट का रीपेमेंट और डेट की रिकवरी, तीनों चीजें साथ में आप समझ सकते हैं। कैसे भैया? अच्छा, डेट का सेटलमेंट क्या होगा? प्रोसीजर है जहां पर जो पर्सन इन डेट है यानी कि जिसको पैसे देना है वो नेगोशिएट करता है द प्राइस विद द लेंडर ऑफ द लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट एंड द रेट ऑफ रीपेमेंट एंड इंश्योर अ फास्ट एंड गारंटेड रीपेमेंट। अब क्या हो रहा है? डेट का सेटलमेंट करना है
तो 1 लाख का मैंने आपसे लोन ले रखा है, डेट ले रखा है, 10 इंस्टॉलमेंट से मैं आपको पे करने वाला था और लेट से 10% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ, अब मेरा मन है कि मैं आने वाले 5 इंस्टॉलमेंट में ही सबको सेटल कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेंडर को जाके बोलूँगा बॉस ये 1 लाख रुपये मुझे आपको देने थे, 2 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ, मुझे 5 में ही करना है, थोड़ा नेगोशिएट कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा कर लेते हैं और इतने में मैं पे कर देता हूँ, सेटलमेंट हो गया। तो वो होता है डेट का सेटलमेंट। डेट का रीपेमेंट तो आपको पता ही है, टोटल प्रोसेस है, इतना इंस्टॉलमेंट, इतना रेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव, इतना आपको हमें रीपेमेंट करना है पूरा। डेट की रिकवरी क्या होता है, डेट की रिकवरी इज अ प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द बैंक्स, बैंक रिकवरी चालू करती है, बराबर है कि अब हमको रिकवरी चालू करनी है। तो डेट सेटलमेंट, सेलिंग ऑफ कोलेटरल्स, अब पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो साथ में रखा था कोलेटरल वो बेचो और रिकवर करो पैसा, ये बैंक्स का सिस्टम होता है। तो ये 3 डेफिनेशन कनेक्टेड है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ई कैश ये क्या होता है, ई कैश क्या होता है सर, ई कैश इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैश या फिर डिजिटल कैश। तो ये टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में जो सब लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनिक कैश रखा रहता है, वॉलेट से पैसा रखा रहता है, हम जो पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं वो ई कैश है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, सर जल्दी पैसे निकालने के पैसे लगते हैं क्या, बिल्कुल चार्जेस लग जाते हैं। An early withdrawal penalty is basically a penalty that is levied by a bank because of an early withdrawal of a fixed investment by any investor. Fixed deposit रखा और आपने वो fixed deposit की जो life थी उससे पहले ही आपने उसको निकालने का चाहा तो आपको penalty लग जाएगी, simple सी बात है, ठीक है। अब क्या है earnest money deposit, क्या होता है earnest money, मतलब ये होता है कि जो buyer है वो seller को, या अर्नेस्ट जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में जो एडवांस देते हो ना आप नेगोशिएशन के टाइम पे, वो आपका अर्नेस्ट मनी हो जाता है, ठीक है, ओके। एजुकेशन लोन क्या है, गारंटर कौन है भैया, गारंटर वो होता है जो आपकी गारंटी देता है, ठीक है, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये भैया ये पैसा दे देगा, बंदा मैं जानता हूँ इसको, ये नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा, तो वो गारंटर होता है आपका, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट आपको पता है, इंटरनेट बैंकिंग आपको पता है, लेटर ऑफ क्रेडिट ओके इसको पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट में यहाँ पर बैंक्स जो होती है वो फोकस में आती है, क्या है कि एक बंदा यहाँ पर बैठा है इस कंट्री के अंदर, दूसरा बैठा है दूसरी कंट्री के अंदर, ये है एक्सपोर्टर, ये है भाई साहब इम्पोर्टर। अब यहाँ पर बैंक बीच में आती है, बैंक बोलती है कि मैं एक LC आपको इशू करके देती हूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट, और वो बोलती है इन भाई साहब को कि ये जो भाई साहब है इम्पोर्टर है, इनके बिहाफ पर मैं यहाँ पर आपको पेमेंट दूंगी, ठीक है, और इसकी गारंटी एक तरीके से मैं लेती हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट है उसमें आप साइन कर दीजिए, जो भी अमाउंट है जितने का इन भाई साहब ने आपसे ख़रीदा है उसका पैसा मैं आपको यहाँ से दिलवा दूंगी, ठीक है। बस यही लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर टू एक्सपोर्टर कि स्पेसिफाइड अमाउंट जो है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय इस कस्टमर, जो उसका बायर है इम्पोर्टर भाई साहब है, ठीक है। सेलर को कुछ कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट आर मेनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट्स, ठीक है। तो LC वहाँ पर दी जाती है, जैसे कार्गो से, शिप से बड़ा बड़ा सामान आता है, स्टील आता है, ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पर LC से कवर किया जाता है पूरे ट्रांजेक्शन को, तो बैंक्स बीच में आ जाती है, ठीक है। सो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ लॉक इन पीरियड आपको पता है, कोई भी आपने लोन ले रखा है, कोई भी गारंटी दे रखी है, तो उसका एक लॉक इन पीरियड होता है। मॉर्गेज आपको पता है, आपके रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को कोलेटरल जैसे रख दिया जाता है अगेंस्ट द लोन, तो वो आपका मॉर्गेज होता है। मैच्योरिटी किसी भी चीज़ की अलग अलग होती है, फॉर एग्जाम्पल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट द इन्वेस्टेड सम अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड बाय द बैंक टू द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। 1 साल का FD है, 1 साल के बाद में आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू जो अभी मार्केट में आपकी वैल्यू चल रही है। सो मार्केट वैल्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द सप्लाई एंड द डिमांड ग्राफ वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स मीट। इनका कहना है कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और उसे ही मार्केट वैल्यू ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, ओके। ऑनलाइन बैंकिंग इजी, ओवरड्राफ्ट मतलब कि पैसे तो 10 लाख ही है और आपको लिमिट दे रखी है 15 लाख की, तो आपको इतना ओवरड्राफ्ट लिमिट भी दे रखी है कि आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ओवरड्राफ्ट, ठीक है, विच इज अबाउ द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द पेयर। नाइस। पेई और पेयर, पेई यानी कि जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, पेयर जो पैसे दे रहा है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन हम सब जगह यूज़ करते हैं। वाओ। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। रेपो रेट वो वाला रेट है जब RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है तो वो रेपो रेट पे देती है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है रेपो रेट, तो जनरली 2 वीक्स के लिए होता है। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों अलग अलग है। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, ठीक है,
ओके okay. तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? कुछ नहीं, कमर्शियल बैंक्स के पास में एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है तो उन्होंने आरबीआई को दे दिया डिपॉजिट करने के लिए, तो वो अपने पास में रख लेती है और सरप्लस फंड्स का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स को दे देती है, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, ओके नाउ अब अगला क्या है? होलसेल बैंकिंग, ये आपको पता है, जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है, तो जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज क्या होता है? अब इट इज अ टाइप ऑफ मॉर्गेज गिवन टू अ बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट्स व्हाइल बोरोइंग। कुछ भी डाउन पेमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है। द मॉर्गेज बायर बोरोज द अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस। ठीक है, ये जन धन अकाउंट खुलवाए थे उसका मतलब यही है कि कुछ नहीं, आप तो अकाउंट खुलवा लीजिए, आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देना है, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो बस आप ले जाइए, मॉर्गेज पे कोई चीज़ रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखी है सारी अभी तक क्या बैंकिंग से रिलेटेड डेफिनेशन हमने सारी कवर कर ली है। ओके, अब हमारे सामने आती है बिजनेस अदर, यानी कि कोई छोटी छोटी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझना जरूरी है, तो इनमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वही बताने वाला जो यहां पर एमसीक्यू जैसे आ सकता है। लेट्स डिस्कस देम। चलिए दोस्तों, बहुत ही कॉमन बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज है जो हम सुनते रहते हैं, उनको समझते हैं। एक्विजिशन करना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करती है, एक्वायर करती है, तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। मींस व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, इट इज नोन एज एक्विजिशन। बैंकरप्सी क्या होता है? हालत ख़राब, मतलब कि धरती के नीचे छुपना पड़ेगा, विजय माल्या हो गया, यानी कि क्या हो गया। अब बैंकरप्सी रिफर्स टू इकोनॉमिक इनसॉल्वेंसी वेयर इन द पर्सन्स असेट्स आर लिक्विडेटेड टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी और अ कोर्ट ऑफ लॉ। बैंकरप्ट हो गया आदमी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? बॉटम लाइन क्या है? प्लेन इंग्लिश में अगर हम बात करें, इट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। मतलब मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर बॉटम लाइन क्या है, ये बोलो यार। बॉटम लाइन ये है बच्चों की पास होना है, ठीक है। तो ये बॉटम लाइन हुआ कोई भी चीज़ का। सो इन बीसी के इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स इनकम आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेज हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज। मतलब आपने कमाए 100 रुपये, छोटी बात नहीं करते, 100 करोड़ रुपए आपने कमाए, ठीक है। आपके एक्सपेंसेस होते गए 10 का 10 का 10 का, ये लेट्स से आपका 60 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ, बराबर है। उसके बाद में आपका टैक्स कटा, उसके बाद में आपके पास में बचे 20 करोड़। सो लास्ट में सब कुछ होने के बाद में जो बचा ना, वो आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट चार्जेस पेड ऑन लोन्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनकम टैक्स, एवरीथिंग। सब कुछ हटाने के बाद में जो बचता है ना, सो इट इज द सेम थिंग एज नेट प्रॉफिट फॉर दीज मैटर the most for the owners of the firm. In today's context, a firm's performance is evaluated not on the basis of such an economic performance as net profit alone, but also on the basis of contribution to the community and the conservation of environment. तो सी ट्रिपल बॉटम लाइन, इसका मतलब क्या है कि ये एक फॉर्मूला है या फिर एक टर्म है बॉटम लाइन, राइट। तो बॉटम लाइन के अंदर सिर्फ नेट प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है, आपने एनवायरनमेंट के लिए कितना काम किया, आपने सोशल लेवल पर कितना काम किया, आपने सीएसआर कितना किया, ये सब भी देखा जाता है। सो सब कुछ काट पीट करने के बाद में जो एकदम रियल प्रॉफिट हमारे हाथ में बचा है टैक्सेस हटाने के बाद में भी, वो आपका बॉटम लाइन होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट हम वही देखते जाएंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसी डेफिनेशन है जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी 5th चैप्टर में डिस्कस हो गई है, लिबरलाइजेशन हमने 5th चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हैं हम, देखिए जॉइंट प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूजुअली रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल product being in such proportion that no single product can be designed as a major product. For example, in the oil industry, gasoline, fuel, oil lubricants, paraffin, coal tar, asphalt and kerosene are all products from crude petroleum. Crude petroleum में से ये सारी की सारी चीज़ें निकलती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए। एक ही चीज़ से, एक ही चीज़ को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो सब जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए। तो सर बाय प्रोडक्ट क्या होगा? By product are defined as product recovered from material discarded in the main process. अब जो चीज़ बच के निकल गई थी ना, उसमें से कुछ निकल गया, वो आपका by product हो जाता है, ठीक है। बहुत पहले हमने account से पढ़ रखी ये सब चीज़ें जब हम question solve करते थे, ठीक है। Thus by products emerge as a result of processing operation of another product or they are produced from the scrap of waste of material or process. Example, molasses in sugar industry. Sugar में से आप जो शक्कर बनाते हैं तो जो molasses निकलते हैं last का जो कचरा बचता है वो भी use में आ जाता है, तो ये हुआ joint and by product, ठीक है।
लॉजिस्टिक मर्जर मिशन पेस्टल हमने पढ़ रखा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवायरमेंटल, ये सब पेस्टल एक फिनोमिना है जो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी कवर हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब ये देख लेते हैं रिटर्न एंड रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। रिटर्न और रिस्क दोनों टू साइड्स ऑफ द कॉइन है बिजनेस के, ठीक है। ना रिटर्न के बिना आप कमा सकते हो, ना रिस्क के बिना आप कमा सकते हो। सो दीज एक्सपेक्टेशन मे नॉट ऑलवेज रियलाइज एट ऑल, मतलब आपने जैसा सोचा था इन्वेस्टमेंट जितना रिटर्न देगा उतना नहीं देगा, कम देगा, तो ये आपकी रिस्क हो गई, ठीक है। सो द नॉन और पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड रिस्क, या तो बिल्कुल नहीं मिला या फिर कम मिला, ओके तो इसे हम रिस्क बोलते हैं, और रिटर्न तो आप समझते ही हैं, ओके आगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों? इट इज अ इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड व्हिच प्रोवाइड्स फॉर नो डिफरल टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड एंड दैट बिकम्स नल अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। मतलब आपने टर्म इंश्योरेंस किया, अगर वो एक्सपायर हो गया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और पूरे इंडिविजुअल को सिर्फ उस पीरियड के लिए इंश्योर्ड है वो, अगर वो इंसिडेंट हो जाता है तो ठीक है, वरना कुछ भी रिकवर नहीं होता है। डिफरल मतलब उनको पेमेंट करेंगे, किसी भी चीज़ का नहीं होगा, सिर्फ जो लॉसेस होंगे उसका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या होता है उसमें ट्रिपल का फॉर्मूला है, प्रॉफिट पीपल एंड प्लैनेट। प्रॉफिट भी होना चाहिए, लोगों का ध्यान रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, तभी उसको बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है यार, क्या टर्न अराउंड था यार, मतलब कि आप देखिए, अ टर्न अराउंड इज द फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, और एकदम टर्न अराउंड आया लाइफ में, कमारी नहीं थी, लॉसेस में थी, हालत खराब थी, और टर्न अराउंड, ठीक है। विजन, हर एक कंपनी का विजन होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि अ होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द पॉलिसी ओनर दैट द इंश्योरर विल पे द सम ऑफ मनी ऑन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट मेंशन्ड इन द पॉलिसी टू द इंश्योर्ड। इट्स अ कॉन्सेप्ट वेयर द इंश्योरर मिटिगेट्स द लॉस कॉस्ट टू द इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डेफिनेशन हमारे यहाँ पर कवर हो गई, आइए फटाफट MCQ हम देख लेते हैं जो बचे हुए हैं, और उसी के साथ में हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। कैप क्या होता है, वॉट इज अ कैप? देखिए, कैप इज नथिंग बट ना ऊपर जाएगा ना नीचे होगा, इंटरेस्ट रेट में हम ये चीज लगा देते हैं, ठीक है। सो अ कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज। यस, तो हमारा आंसर क्या है, 18th का ए, तो ये आंसर भी हमारा टिक हुआ। आगे चलते हैं 19th, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर्स बैंक टू द रिसीवर इज कॉल्ड। ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो इसके अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा? बच्चों हमको पता है, सिंपल सी बात है, वो होता है चेक, ठीक है दोस्तों। 22nd, 23rd, 24th अच्छे क्वेश्चन है, तीनों देखते हैं। डैश इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्ट टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क्स टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांसफर फंड्स। तो ये तरीका है जहां पर बैंक्स ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिजी कैश है, हेज है कि कैप है? ऑब्वियसली ई कैश है। अभी हम देख क्या है, ई कैश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, वॉलेट्स है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स है, UPI ट्रांजेक्शन है, ये सब ई कैश में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। 22nd हुआ। 23rd, डैश इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स। द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट। यहाँ से खरीदा और वहीं ना बेचना है आगे जाके, आज खरीदा और सेम डे बेचना है, तो लॉस को मिटिगेट करने के लिए काम किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज करना। हेज करना क्या होता है, हेज इज नॉट एज गुड एज आर्बिट्रेज, यानी कि दोनों का कंपेरिजन नहीं है, दोनों अलग अलग एक्टिविटीज है, इसलिए यहाँ पर साइमल्टेनियसली दो चीज़ें करना, परचेज एंड सेल, सेम मार्केट में करना, अलग मार्केट में करना, वो होता है आर्बिट्रेज करना, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए इन तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। 24th, अ गारंटी गिवन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द।
अब यार एक पीरियड के बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता, तो वो लॉक इन पीरियड ही होगा ना, मतलब ना रेट चेंज होगा ना कुछ भी चेंज होगा। मैच्योरिटी तो जब खत्म हो गया है, होल्डिंग पीरियड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, असेट्स के लिए यूज़ करते हैं, बराबर है। ड्यू डेट तो अलग ही चीज़ है, तो 24th भी इंपॉर्टेंट है। 25th चिंदी क्वेश्चन है, इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। तो कंपनी अपना एक क्या बनाती है, कंपनी बनाती है अपना विजन, उसके हिसाब से काम करती है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर टिक हो गए हैं और हमने MCQs 3 लेक्चर्स के थ्रू सारे कवर करे हैं और सारी डेफिनेशंस भी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों, जिसका नाम था, हमने बोला था कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। 3 लेक्चर्स में सारे डेफिनेशंस कवर करने की हमने कोशिश करी है, MCQs भी हमने डाले हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ईकेडा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।